दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। क्या आपने प्रतिक्रमण शब्द सुना है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिक्रमण यानी asking forgiveness, ये शब्द तो जैन लिटरेचर से आया है, लेकिन दुनिया भर से सभी धर्मों के लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण क्या है, उसे हमारी रोज बरोज की जिंदगी पर क्या असर होता है, तो चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से। पूज्य श्री, मैं पिछले 12 वर्ष से अपने पापा के घर रह रही हूँ। मेरे साथ मेरी 17 वर्षीय बेटी भी है। मेरे घर के सभी सदस्य अक्सर मुझसे नाराज रहते हैं। अब मैं किसी को सफाई नहीं देती, प्रतिक्रमण करती रहती हूँ। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है, जब से हम 12 साल से साथ में रहे, क्योंकि नियम क्या है कि ये तो एग्जांपल लेते हैं, बेटा हमारा है, बहू आई शादी होके, तो सास और बहू के बीच में बेटा ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मेरे बेटे को ये पसंद नहीं, तूने ये क्यों बनाया, एक बार भी गलती निकाली 25 साल तक उसके दिल से छूटेगी नहीं, सारी जिंदगी छूटेगी नहीं। ये छोटी छोटी अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी बेटी को ये चाहिए वो, कुछ भी एक शब्द कहा तो सामने वाले को दिल में चुभ जाता है। मम्मी बीच में कभी नहीं आते हैं। मम्मी नहीं आती है तो सास बहू की बात करता हूँ। तो ये व्यवहार ऐसा है कि कोई भी आदमी की एक बार भी गलती निकालो तो उसको पसंद नहीं आता है और भोगवट आ जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं, वैर बन जाता है। हमें क्या करना है कि प्रतिक्रमण चालू करो और पश्चाताप ले लो कि भाई जब से हम व्यवहार में आए नजदीक वाली फाइलों के साथ, जो छोटे मोटे कुछ भी शब्द कहा गया, हमारी बेटी की वजह से आसपास वाली व्यक्तियों को दुख पहुंच गया, एक एक प्रसंग को याद करके प्रतिक्रमण चालू रखो और उन्हीं के भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा के पास माफी मांगो। इस भाव में अभी हमारे पास दूसरी जगह जाने का संजोग नहीं है, पर हमारे तरफ से उनको कुछ भी दुख हो जाए तो दिल से हम पश्चाताप करते हैं, हमें संभाव से निकाल करना है, कोई राग द्वेष वैर जेर मोह में नहीं रहना है। कृपा करो, समाधान पूर्वक व्यवहार पूरा कर सके ऐसी शक्ति दो, कृपा करो। प्रतिक्रमण अच्छी तरह करेंगे और जागृत रहेंगे, गलतियां निकालनी नहीं है, दुख भी देना नहीं, गलतियां भी निकालनी नहीं। व्यवहार ऐसा है कि हिसाब के आधार से हमें यहाँ ही रहना पड़ेगा और कुछ बोल भी गए तो प्रतिक्रमण करके दो डालो और भाव रखो, एक शब्द भी एक दूसरे को दुख ना हो जाए, एक दूसरे के गलतियां ना निकाले, ऐसी जागृति रखनी है। फाइल शब्द ही ऐसे बोल देते हैं तो फिर तो जुदापन रखो, दिमाग में वो बातें रहती है तो भाव बिगड़ जाता है, फिर प्रतिक्रमण करते हैं उससे बहुत फायदा हुआ है मुझे। ऐसा समझना कि सुनीता का हिसाब देखो, हमारे पति चले गए वो भी एक बड़ा हिसाब था जी, यहाँ रहना पड़ता वो भी हिसाब है जी। तो भी समझ लेने का, सुनीता हम कर्म के फल भुगतने के लिए परिवार में रहते हैं, कुछ गलती निकाली हमारी तो किसकी निकालते हैं, आपकी शुद्धात्मा की निकालते हैं कि सुनीता की निकालते हैं? सुनीता की निकालते हैं। तो वहाँ जागृति रखो, सुनीता जमा करो, कुछ पूर्व में दिया है, हम संजोग में ऐसे फंस गए, यहीं से छूट भी नहीं सकते, यहाँ ही रहना पड़ता है, क्योंकि समझ लो कि हमारा हिसाब पूरा करने के लिए हमें यहाँ रहना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि समय रहते ये सब अच्छे से हो जाए। भावना रखो जी, ये प्रकृति है जी, स्त्री प्रकृति, ईर्ष्या मोह अपेक्षा राग मनमानी करना, हाँ। उसकी स्वतंत्रता में सिक्योरिटी में डिस्टर्बेंस हो गया तो उसको सामने वाले के प्रति अभाव रहते ही निरंतर रहता है जी। इनका दोष नहीं है, प्रकृति का हिसाब है, हमारे तरफ से जमा करो और प्रेम से व्यवहार करते रहो। अभी आप जो बोलते हैं कि एक भी हमारी गलती निकाली तो हमारे सारे दिन हमारे दिमाग में घूमते रहता है नेगेटिविटी, तो वही सामने वाले को भी हो सकता है, भले हम वो 10 निकाले, हम 1 निकाले और हमारे नेगेटिव स्पंदन भी उसको पहुंचेंगे तो उनको भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा और उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो यही उपाय है कि एक बार भी गलती निकाली आप भीतर में टच मत करो, जमा करो, फाइल को बोलो, फाइल वन को तुम जमा करो, हमारा हिसाब है, हम छूटते हैं, हमारी स्त्री प्रकृति, हमारे मोह, हमारे मान, हमारे अपेक्षा सब तोड़ देते हैं, महान उपकार है उनका, उनको हमें दुख नहीं देना है।
उनके तरफ से उनकी प्रकृति आधीन है, उनका दोष नहीं है। और जमा करो और हो सके उतना उनकी सेवा में या हेल्प में जितना भी पॉसिबल है हेल्प करते ही रहो। आड़ाई मत करो, टेढ़ाई मत करो कि इसने ये किया तो मैं ये नहीं करूंगी। नहीं नहीं, हम सरलता से व्यवहार प्रेम से पूरा करते रहेंगे जी। और दिल में कि उनका दोष नहीं है, मेरा हिसाब है, उनका क्या दोष। जितना प्रेम से रहोगे धीरे धीरे नॉर्मलिटी व्यवहार में आ जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रमण के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता, अरे रे गलत बोल दिया, काश ये वर्ड्स को वापस ले सकूं, कैसे करेक्ट करूं अपनी इस गलती को, क्या कोई तरीका है उसे सुधारने का, क्या पश्चाताप करने से हमारी गलती माफ हो सकती है। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। 2 साल से टीवी पे सत्संग देखता हूँ सर जी, और टीवी देखते देखते सत्संग सुनते सुनते मेरे अपने दोस्त मुझे दिखने लगे, बहुत दोस्त दिखने लगे। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मियाँ बीबी की, 5, 2 और 3 सभी थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, तो बहुत घर में झगड़े होते थे। सत्संग सुनने के बाद में मेरे दोस्त दिखने लगे और मैं बिना बताए प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया सर जी। तो मैं 1.5 साल 1 साल से प्रतिक्रमण रात दिन किए। मेरा सवाल ये है सर जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कि मैंने प्रतिक्रमण बहुत किए, क्या वो प्रतिक्रमण ज्ञान लेने से पहले किए हुए प्रतिक्रमण मेरे धुल गए? हाँ, या दोबारा से करने पड़े? नहीं नहीं दोस्त, धोए बहुत हुए थे, मैंने रात दिन किए। हाँ, जाके पूरी रात उनको बताया नहीं, बहुत प्रतिक्रमण किए। तो कल मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आगे और करूँ और मुझे मोक्ष चाहिए सर जी। अगर अभी आप अपने तरफ से क्या करो, प्रतिक्रमण तो किया वो सही है, प्रतिक्रमण से भाव प्रतिक्रमण से हमारे दोष जरूर धोए जाते हैं। और ये भी ज्ञान लेने के बाद जितना भाव करो, ये फाइल को प्रेम से जीतना है, और उनके भी शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, वो भी सत्संग में आए, ज्ञान पाए, और हम प्रेम से एक दूसरे के साथ रह के संसार व्यवहार पूरा करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। हमारी भावना जरूर रखेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रमण की। दोस्तों, प्रतिक्रमण क्या है और हमें कब करना चाहिए, क्या उसका भी कोई टाइम है, क्या उसका कोई नियम है, किस तरह करना चाहिए, एक ही बार करो तो चलेगा? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। प्रतिक्रमण जैसा कि चरण विधि में जो लिखा हुआ है वैसा ही करना है, या जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि भाव प्रतिक्रमण करते हैं? सादा, ये तो क्या है, कभी बहुत सारा वैर भाव होगा, द्वेष भाव होगा, तो डिटेल में जाके हैं शुद्धात्मा भगवान चंदो के मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से भी निवय है शुद्ध आत्मा भगवान। चंदो के प्रति इतना अभाव तिरस्कार द्वेष हो जाता है, माफी मांगता हूँ। द्वेष को थोड़ा शुद्धात्मा देखने के लिए थोड़ा स्लाइस अलग करके प्रकृति को जुदा करेंगे तो जागृति टिकेगी कुछ, नहीं तो इतना अभाव तिरस्कार होता है कि प्रतिक्रमण करने के लिए भी रुचि नहीं होगी। तो ऐसी कुछ होगी तो शुद्धात्मा जुदा पाड़ो, मन वचन काया चंदू के नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से भिन्न वैसे है शुद्ध आत्मा भगवान। तो आवरण से जुदा ऐसे शुद्धात्मा देखने की दृष्टि खुली होगी, नहीं तो सामान्य भाव से करते रहो, भाव प्रतिक्रमण सही है, हे शुद्ध आत्मा भगवान माफी मांगता हूँ, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति है, दादा भगवान की साक्षी बोलो तो भी चलेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज बातें हो रही है प्रतिक्रमण के बारे में, तो ये प्रतिक्रमण से क्या हमारा संसार व्यवहार ठीक हो सकता है, क्या हमें मन की शांति मिल सकती है, क्या हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, क्या हमारा बिगड़ा हुआ रिलेशन सुधर सकता है, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। माफी मांगने का और प्रतिक्रमण करने का जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, अब उसमें बचपन से अभी तक बहुत प्रकार के हरेक हरेक फाइल से अलग अलग प्रकार की गलतियां होती रहती है। बचपन में मारामारी होती है, झगड़े होते हैं, कहीं चोरी होती है, लबाड़ी होती है, बुरे काम होते हैं, तो इनको किस शब्दों में, जो अपने प्रतिक्रमण की विधि जो चरण विधि के पीछे दी है उतने ही शब्द में है, या हरेक के अलग अलग शब्दों से उनकी माफी मांगना चाहिए? नहीं, क्या नाम है आपका? जैसे अभी परिवार में है झंझट हो जाता है,
मित्रों में है, कोई बुरे काम होते हैं, कुसंगत जिसको बोले हैं, ऐसे कुछ हो जाते हैं बचपन के, जो अभी चरण विधि और ये आपके इधर ये ज्ञान लेने से पूरा भूतकाल ध्यान में आ रहा है। एक एक आदमी की गलतियां ध्यान में आ रही है, मेरे से जितनी कुछ गलतियां हो गई वो हर एक आदमी के संबंध में ध्यान में आ रही है, और सूक्ष्म रीति से ऐसा ध्यान में आ रहा है कि मेरी वो शब्द कैसे उसमें सिंपल है। इसमें बहुत ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात इतनी ही है कि समझ लो क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, तो अभी समझ लो सामने वाला है ये दिलीप है, समझ लो दिलीप के साथ कुछ व्यवहार में गलती हो गई, तो सिंपल इक्वेशन इतना ही रखना है कि दिलीप के अंदर बैठे हुए हे शुद्धात्मा भगवान, दिलीप के साथ व्यवहार में क्रोध हुआ या मोह हुआ, भाव बिगड़ गए, अभाव हुआ, द्वेष हुआ, मारा मारी से दुख दिया, जो भी दोष हुआ वो याद करना है, ये गलती की वजह से आपको दुख पहुंचाया उसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तीन ही शब्द है, ये गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। और चौथा यानी बिगिनिंग में ये है कि दिलीप अलग है और शुद्धात्मा आप अलग हो, हे शुद्धात्मा भगवान दिलीप के साथ इतना बुरा व्यवहार हो गया, तो जो हो गया याद करना है, द्वेष हुआ, अभाव हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, लोभ हुआ, इसके वजह से इस प्रकार से दुख दिया, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो सुभाष को ही बोलने का, तुम माफी मांग लो, क्योंकि गलती करने वाले सुभाष है, गलती की माफी भी सुभाष मांगते हैं, और आप शुद्धात्मा के सीट पे बैठ के सुभाष के पास माफी मंगवानी है। और परिवार में कुछ झंझट हो जाती जिसके कारण बहुत साल तक अभी कोई सुलझाव नहीं होता है, प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम है, रहने सहने के प्रॉब्लम है, और जिससे बेबनाव बना रहता है, तो उसमें हर एक व्यक्ति के, जीवंत व्यक्ति के और मृत व्यक्ति के, जिनके संदर्भ में कुछ झंझटे हो गई थी और वो अभी चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो उनके किस प्रकार से क्षमा याचना करनी? वही प्रकार से सिंपल है, जो मृत्यु हो गई उनको तो याद करके ये व्यवहार में गलती हो गई थी माफी मांगते हैं, और जो अभी हयात है उनको भी माफी मांगो, और समझ लो प्रॉपर्टी का केस है तो केस पेंडिंग है, मगर पहले उसके प्रति जो नेगेटिव अभिप्राय है, नेगेटिव दोष बुद्धि है, एक एक की माफी मांगते जाओ, और कभी चांस मिल गया तो बुला लेने का या माफी मांग के बैठने का, देखो अभी ये प्रॉब्लम है अब समाधान करके चलो, मेरा 25% कम कर दो और आप ले लो, हिसाब पूरा करो, जल्दी छूटे, समाधान का ही भावना रखो, और पहले घंटे भर तक प्रतिक्रमण करते रहो। ये सबसे बड़ा क्या है कि प्रॉपर्टी वो मुख्य कारण नहीं है राग द्वेष का, हमारा राग द्वेष का ये प्रॉपर्टी के निमित्त से होता है, मगर हमारा पूर्व का राग द्वेष, पूर्व भाव में दूसरा कुछ निमित्त होगा, अगले भाव में तीसरा कुछ निमित्त होगा, पर हमारा राग द्वेष वैर जैर चालू है, प्रतिक्रमण से वैर जैर धोया जाएगा और ये प्रॉब्लम अपने आप सुलट जाएंगे। बहुत समय से ऐसा, जब से ध्यान लिया है तब से विशेष रूप से ये ध्यान में आता है, और जाहिर रीति भी ऐसे मैं बोलता हूँ लेकिन उसमें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता है, तो फिर भी चालू रखते रहे। आप प्रतिक्रमण करते रहो, परिणाम आवे कि नहीं आवे, और प्रतिक्रमण से इस लाइफ में सुधरे या न भी सुधरे, दूसरी लाइफ का तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके दिल में भावना क्या है, अभी व्यवहार में कुछ राग द्वेष वैर जैर बढ़ाना नहीं है, ये भाव, ये अक्रम विज्ञान है ना, भाव जागृति बढ़ानी है, एक ये आज का व्यवहार पूर्व का फल है, और आज का बीज डालेंगे नेक्स्ट लाइफ में फल आएगा, तो आज बीज सुधार लिए हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना कि जिंदगी में भूले तो होती ही रहती है, लेकिन दादाजी ने हमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का ऐसा हथियार दिया कि जन्मों जन्म के दोष को हम जड़ मूल से बाहर निकाल कर सकते हैं, द्वेष भाव को निकाल सकते हैं और हमारी व्यवहारू जिंदगी सुधार सकते हैं, सवार सकते हैं। तो आइए ऐसे ही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद।